करनाल के फूसगढ़ गांव में हुए दो गुटों में विवाद के चलते गांव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते आज वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा मंदिर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस मौके पर स्वयं जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ लोगों से बातचीत की एवं उनको आश्वासन दिलाया कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त ने महापंचायत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्य रूप से समाज के लोगों की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया द्वारा डीएसपी रैंक के अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया है और 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि गांव में अवैध शराब का मामला सामने आया है, जिसको देखते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट व पुलिस विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में कार्रवाई करें और जो भी अवैध शराब का कार्य करता है उनकी शराब जब्त कर सील कर दी जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त के सामने बात रखी थी कि वह इस तरह के तनाव के माहौल में गांव छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिलाया कि इस तरह का कोई भी मामला आपस में मिलजुल कर ही हल किया जाता है, लोगों को गाँव छोड़ने की जरूरत नहीं है। पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और गाँव में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने वाल्मीकि समाज के लोगों को आश्वासन और भरोसा दिलवाया कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने मीडिया को बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों द्वारा जो महापंचायत का आयोजन किया गया था उसमें समाज के वरिष्ठ लोगों से बातचीत की गई है। समाज के कहने पर जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। यहाँ हम आपको बता दें कि गत दिवस यहाँ पर 2 गुटों में झगड़ा होने से वाल्मीकि समाज के गौरव नामक व्यक्ति के घर पर तोड़फोड़ और उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके चलते गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। उसी के चलते आज गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वयं जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि गत दिवस यहाँ पर 2 गुटों में लड़ाई झगड़ा हो गया था और आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसको पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया और जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव स्वयं आकर मामले को सुलझा रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। पुलिस अधीक्षक अभी भी मौके पर हैं, जिला उपायुक्त यहाँ से चले गए हैं। एक पंचायत की गई और मंदिर के अंदर बैठ कर लोगों को समझाने बुझाने का आह्वान किया गया। जिला उपायुक्त ने युवाओं से भी आह्वान किया है कि वह इस तरह की हुड़दंगबाजी से बचे। समाचार एक्सप्रेस के लिए मैं सन्नी चौधरी। बात की है और इनकी जो डिमांड्स थी उसमें मेन तो मुख्य तो ये बात आई कि जो भी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की घटना की है उसको उन पे सख्ती से कार्रवाई भी की जाए, तुरंत जो है उस पर अरेस्ट किया जाए। SP साहब ने बताया भी कि 12 लोगों के नाम इन्होंने शुरू में दिए थे, 3 अरेस्ट हो चुके हैं और भी जो नाम एडिशनल प्रोवाइड करेंगे उन पे तुरंत सख्ती से कार्रवाई करेंगे, इसमें किसी तरह की झिझक नहीं है। अवैध शराब को लेकर काफी तंग हैं कि अवैध शराब के खुर्दे चल रहे हैं, उस कारण ये विवाद होता था। बिल्कुल, इसमें दूसरा जो अवैध इस तरह के शराब के ठेके चल रहे हैं उस पर आज ही हमने तुरंत जो है एक्साइज विभाग की और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई है। लोकल जो लोग हैं इनकी भी सहायता लेंगे आइडेंटिफाई कराने में, जहाँ जहाँ पे भी अवैध शराब चल रही होगी तुरंत सील करके कॉन्फिस्केट करेंगे, जब्त करेंगे, ताकि यहाँ का सामाजिक स्वार्थ ना बिगड़े। समाज द्वारा गांव छोड़ने की भी बात की जा रही है कि हम गांव छोड़कर चले जाएंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए, स्वाभाविक है कि इस समय लोग इमोशनल हैं, भावुक हैं और इस तरह की बात है, तो हमने इनको आश्वस्त किया है और प्रशासन का भरोसा दिलाया है। ये लोग भी आश्वस्त हुए हैं और जब इनसे यहाँ के बात की है तो हमने यही आश्वासन दिया कि पूरा प्रशासन इनके साथ है और इसलिए हम यहाँ इनके साथ आकर के यहीं इन्हीं के चौपाल में बैठ के बात कर रहे हैं। हमने इनको आश्वस्त किया है तुरंत कार्रवाई करेंगे और आगे भी समय समय में जो 20 मेंबरीय कमेटी है इनकी, 20 सदस्यीय कमेटी है, उसके साथ बैठक करते रहेंगे और एक जो जिला समाज कल्याण अधिकारी के तहत जो भी कंपनसेशन के हकदार जो हैं लोग हैं जिनके घर में तोड़फोड़ हुई है, नुकसान हुआ है, वो भी हम असेसमेंट तुरंत शुरू करा देंगे। लोगों को जो जेन्युइन एज पर रूल्स मुआवजा बनता है वो भी दिया जाएगा। दोनों पक्षों के प्रधानों से और परिवारों से भी अपील करेंगे कि बच्चों को, युवाओं को समझाएं कि आपसी भाईचारा ना खराब हो और आपस में इस तरह का माहौल दोबारा से ना खराब हो। बिल्कुल अपील रहेगी। एक तो ये चूँकि यहाँ युवाओं की काफ़ी समस्या है ड्रग्स की, अवैध शराब की, नशे की, तो सबसे मेरी सभी समुदायों से आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को इसमें खराब ना करें, समझा के रखें।
और दूसरा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज के सभी लोगों को समझाएं प्रेम से और उनको ये बताएं कि इस इन चीज़ों से सामाजिक का सौहार्द अननेसेसरी ख़राब होता है, समाज का पूरे समाज का ही इससे नुकसान है। तो लीडर्स से रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएँ। इसमें एसपी साहब क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं अभी तक और कितने लोग जो फूसगढ़ विवाद में जो है अभी तक और आगे अरेस्ट होने हैं? देखिए, जैसे ही लिखित शिकायत इनकी तरफ से दी गई थी उसके आधार पे उपयुक्त जो सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत अभियोग अंकित कर लिया गया है। मामले की जांच एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर के द्वारा की जा रही है। इन्होंने 12 नामजद आरोपियों के नाम लिखवाए थे, उनमें से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बाकी हमारी सीआईए की टीम लगातार धरपकड़ हेतु प्रयास कर रही है। डीसी साहब के साथ हमारी जो भी यहाँ के मौजूदा लोग थे उनके साथ में एक बैठक हुई थी और उनमें प्रशासन की तरफ से ठोस आश्वासन दिया गया है कि ये सामाजिक तत्वों के साथ में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी आरोपी इस घटनाक्रम में वास्तविक रूप में सम्मिलित रहे हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब का कारोबार करते हैं, इसी को लेकर झगड़ा हुआ। देखिए, ये बात भी हमारे सामने आई है और हम हमारे खुफिया तौर पर भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ लोगों ने भी जो जानकारी हमें मुहैया कराई है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। जब तक दोनों मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तो गाँव में सुरक्षा एक आदिपीसीआर तैनात रहेगी? बिल्कुल, देखिए, जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर पर्याप्त पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहे ताकि लोगों में भी डर का माहौल ना हो। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के फूसगढ़ में, जहाँ पर कल दो गुटों में झगड़ा हो गया था। वहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसको जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया आकर मामले को सुलझाने में सहयोग दे रहे हैं। अभी आपने पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया और जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव की बातचीत सुनी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। तनाव का माहौल पूरे गांव में था। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि यहां पर पीसीआर तैनात रखी जाएगी और माहौल को शांतिप्रिय ढंग से ही निपटारा किया जाएगा। महापंचायत का आयोजन किया गया था। समाचार एक्सप्रेस के लिए समीर चौधरी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.